Good morning, friends. Hope you guys are applying for the positions which I am posting on the YouTube channel. दोस्तों कई दिनों से हमारे सब्सक्राइबर जो है फ्रेशर जो है वो पूछ रहे थे कि जो कोई वैकेंसी अगर अवेलेबल है फॉर द फ्रेशर्स मोस्टली एमएससी केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंसेस या फिर अदर रिलेटेड ब्रांचेस, तो हम लोग इस एपिसोड में जो देखने वाले हैं वो वैकेंसी अवेलेबल जो है वो है एट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका हेड ऑफिस जो है ये जो हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा विले पार्ले मुंबई में। और यहाँ पर जो पोजीशंस अवेलेबल हैं वो है एंग प्रोफेशनल्स की ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, दीज आर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसका एक्सपीरियंस जो है हमारे फ्यूचर के लिए या फिर करियर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। यहाँ पर रिक्विजिशन आईडी दिया हुआ है वो आप याद रखिएगा, हमारे फर्दर कम्युनिकेशन इसी के थ्रू या फिर इसी के बेसिस पे ही होंगे। अब हम देखते हैं नीचे पोजीशंस के डिटेल्स, मैं फिर से दोहराऊंगा, यहाँ पर पोजीशंस अवेलेबल हैं यंग प्रोफेशनल्स के। नीचे अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो यंग प्रोफेशनल्स की पोजीशंस और नंबर ऑफ पोजीशंस उन्होंने डिवाइड किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के लिए दो पोजीशंस अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के लिए दो पोजीशंस, जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटमोलॉजी एक पोजीशन अवेलेबल है, ट्रेनिंग के लिए चार पोजीशंस अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग नीचे ही देखने वाले हैं। लीगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 पोजीशंस अवेलेबल है, टोटल 14 पोजीशंस यानी कि 14 पोजीशंस अवेलेबल है, वो वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, और ये टेंटेटिव नंबर है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब प्री रिक्विजिट यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं फॉर दिस ऑल 14 पोजीशंस, तो फर्स्ट जो अगर हम देखते हैं केमिस्ट्री में, उसके लिए कैंडिडेट मास्टर इन साइंस होना ज़रूरी है यानी कि एमएससी होना ज़रूरी है विथ केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैंडिडेट मास्टर इन साइंस होना ज़रूरी है इन बायोलॉजी, एंड थर्ड जो है जूलॉजी विथ एंटमोलॉजी स्पेशलाइजेशन, कैंडिडेट एमएससी जूलॉजी होना ज़रूरी है। एंड फोर्थ जो है हमारा ट्रेनिंग, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि आर्ट्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पोजीशंस है, जैसे उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो है कैंडिडेट मास्टर इन सोशल वर्क होना ज़रूरी है या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए होना ज़रूरी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है इन HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब लास्ट जो है हमारी पोजीशन जो लीगल की है, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है कैंडिडेट मास्टर ऑफ लॉ होना ज़रूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। इन सभी पोजीशंस के लिए जो हमें सैलरी मिलने वाली है वो रहेगी 25,000 से लेकर 30,000 प्रति माह, प्लस कन्वीनियंस मिलेगा जो 2,500 से लेकर 3,000 प्रति माह रहेगा, बेस्ड ऑन, ये वैरी हो सकता है बेस्ड ऑन हमारा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। नेचर ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो विच इज़ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड इनिशियली इट विल बी फॉर 1 year एंड इट मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस फॉर मैक्सिमम 3 years। अपर एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो विच विल बी 27 years ऑन द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 9 जनवरी 2022। स्किल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैंडिडेट को गुड नॉलेज होना ज़रूरी है कंप्यूटर स्किल्स की बारे कंप्यूटर स्किल्स में, जैसे MS वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट बोल सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट सिंसियर एंड कमिटेड होना चाहिए टूवर्ड्स वर्क। यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, मैं फिर से दोहराऊंगा, यानी कि हमारे जितने भी फ्रेशर सब्सक्राइबर हैं दोज ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगा, और उसी के हिसाब से हमें शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए वो बुलाया जाएगा। नो TA/DA विल बी प्रोवाइडेड फॉर द अटेंडिंग इंटरव्यू। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है वो आप याद रखिए, देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल ऑफ दिस पोजीशंस आर इन महाराष्ट्र, कई उनमें से जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी की बात करते हैं हम लोग तो वो पुणे में रहेंगे, और ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 2 पोजीशन पुणे के लिए रहेंगे और 2 नासिक के लिए, और लीगल जो रहेगा सेंट्रल ऑफिस विले पार्ले एट मुंबई में रहेगा।
यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं उन्होंने, वो आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। प्लीज़ आप, मैं फिर से दोहराऊंगा, आप अप्लाई करने से पहले कभी भी एडवर्टाइजमेंट फुल अगर आप पढ़ोगे या फिर मेरा वीडियो भी कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं लीगल स्टेटस, हमारा इन्यूमरेशन क्या मिलेगा, अदर अलाउंसेस या फिर अटेंडेंस या वर्किंग आवर्स, लीव पॉलिसी क्या रहेगी, वो सभी, इंश्योरेंस साथ में दिया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताई है, बेस्ड ऑन आवर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हमें शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेंटेटिवली इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन मंथ ऑफ मार्च 2022। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं यहाँ पर, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट की, ऑनलाइन अप्लाई करने की, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था, यहाँ पर उन्होंने एक सर्विस डेस्क भी दिया है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो डायरेक्टली आप उन लोगों को ईमेल कर पूछ सकते हो क्या क्वेरी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम किस तरह से हमें सॉल्व करने होते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बताई थी वो रहेगी 9th of January 2022 रात 11 बजे तक। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि 11th आवर की वेट ना करते हुए आपको पहले ही एप्लीकेशन फिल कर देना ज़रूरी है अगर आप एलिजिबल हो तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी हमारे फ्रेशर्स थे जो बोल रहे थे, मैक्सिमम 5 to 6 ब्रांचेस कवर किए हैं यहाँ पर इन जॉब्स ने, तो मुझे लगता है आप सभी ने अप्लाई करना चाहिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के लिए साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, एजुकेशन रिलेटेड कई ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।